शाजापुर शहर के बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय में यहां पढ़ने वाले छात्र फैकल्टी की समस्या एवं लाइब्रेरी में किताबों की कमी से जूझ रहे हैं। शहर के इस महाविद्यालय में लगभग 4000 छात्र अपने जीवन का ताना बना इस शिक्षा के माध्यम से बुनने आते हैं, लेकिन यहां पर लाइब्रेरी में पुस्तकों का अभाव है। छात्रों का कहना है कि लाइब्रेरी से एक ही किताब मिलती है, दूसरी किताबों की व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ के छात्र शिक्षकों की कमी से भी जूझ रहे हैं। इसके अलावा इस महाविद्यालय में स्पोर्ट्स टीचर भी नहीं है। महाविद्यालय के प्रिंसिपल ने बताया कि हम अपना काम गेस्ट फैकल्टी के द्वारा चला रहे हैं, हमारे पास स्थायी नियुक्ति वाले शिक्षकों की कमी है, जिस कारण काफ़ी परेशानी आ रही है। लाइब्रेरी में फंड की काफ़ी कमी है, जिसके कारण पुस्तकों का अभाव बना हुआ है। प्रिंसिपल ने कहा कि जैसे ही फंड आएगा किताबों की व्यवस्था करवाएंगे। इसमें समस्या यह कि है कि यहाँ पे लाइब्रेरियन टीचर नहीं है परमानेंट। जो लाइब्रेरी है उसमें लाखों रुपए की किताब है, वो बंद पड़ी, उसमें कोई टीचर नहीं परमानेंट। और यहाँ पे जो अतिथि में आया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा लाइब्रेरी है, यहाँ पे बुक्स मिलती है, उसमें एक सब्जेक्ट की मुश्किल से एक बुक मिल पाएगी। बीए फर्स्ट ईयर की नहीं है, सेकंड ईयर की नहीं है, लास्ट ईयर की नहीं है। और फर्स्ट ईयर की बुक लेने जाए यहाँ पे बच्चे तो बड़ी लंबी चौड़ी लाइन लगाते हैं। टीचर्स का टाइम है 10 बजे, ने बोला कि किताब यहाँ पे नहीं है, वो तो बच्चे रह गए रोए। जो 5-6 लाख की किताब लाए पिछली बारी, वापस भी करी होगी बच्चों ने, सब हथौड़ी का वापस करने का रहता है यहाँ पे, फिर भी किताब नहीं है, यहाँ पे मिल ही नहीं पा रही है। बड़ी मुश्किल से ढूंढते हैं तो लंबी लाइन में मुश्किल से एक किताब मिल पाती है कि हाँ ये इतिहास की है, राजनीति की किताब ही नहीं मिलती है यहाँ पे। तो कहाँ गई किताब, गई कहाँ यहाँ पे? लाइब्रेरी में क्या व्यवस्था? लाइब्रेरी में व्यवस्था है पर वो सारी नहीं मिलते हैं। अच्छा, ना किताबें हैं, बच्चों का अभी तक किताबें इशू नहीं हुई है, किसी को भी इशू नहीं हुई है। रेगुलर स्टाफ हमारे पास मौजूद है और 25 अतिथि विद्वानों से हम महाविद्यालय को चला रहे हैं। PSC से अभी उम्मीद है कि बहुत जल्दी पोस्टिंग होगी, तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पोस्ट भरेंगे। जब तक नहीं है तब तक हमें इससे काम चलाना पड़ रहा है। बच्चों का ये कहना है कि यहाँ क्लास भी रेगुलर लगती नहीं है, फैकल्टी समय से पहले चले जाते हैं। हाँ, क्लास बराबर लग रही है। अभी हमारा नेक जब एक्रेडिटेशन का वैल्यूएशन था उस समय थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा था, लेकिन इसके बाद हमने क्लासेस रेगुलर कर दी हैं, बराबर निरीक्षण चल रहा है। हमारे सभी साथी कक्षाओं में जा रहे हैं और अब बिल्कुल नियमित रूप से कक्षाएं लगना शुरू हो गई है। वॉइस ऑफ MP के लिए शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट।